नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर, आज की जो हमारी क्लास होगी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी, और आज कुछ ये क्लास हमारी स्पेशल रहने वाली है, जो आज BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जो हमने आज नया व्हाट्सएप ग्रुप बना के तैयार कर लिया। कई छात्र हमारे यूट्यूब क्लासेस से जुड़ नहीं पाए थे, तो अब जो छात्र इससे अलग थे और इससे नहीं जुड़ पाए थे, वो इस जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे जुड़ेंगे और निरंतर उनको प्रत्येक दिन की क्लास का लिंक भेज दिया जाएगा। तो उन नए विद्यार्थियों के लिए जो हमें आज जो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनके लिए मैं सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्र प्रकाश गुर्जर है और मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मैंने जो बैचलर ऑफ आर्ट है BA किया है, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर तीन सब्जेक्ट से किया है। उसके पश्चात मैंने BEd कर रखा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री कर रखी है मैंने BA के पश्चात। और उसके पश्चात मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएट MA जिसे कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट PG पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट में दो सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। उसके पश्चात मैंने रिट जो एजुकेशन है, रिट क्वालिफाइड हूँ। उसके पश्चात बात करते हैं तो नेट जे आर एफ जो ये मैं दो बार क्वालिफाई हूँ नेट हिस्ट्री सब्जेक्ट से, और इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो आज हम, ये मेरा छोटा सा परिचय है, एक बार मैंने सोचा कि आपको देना उचित रहेगा, तो ये आपको दिया है। और आज हम जो ये क्लास होने से पहले एक बार थोड़ी सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी चर्चा सिलेबस के बारे में। BA द्वितीय वर्ष के छात्रों के सिलेबस की बात की जाए तो आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर दो बुकें हैं, एक तो मध्यकालीन भारत कैसा जो इतिहास है, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, और उसके पश्चात राजस्थान की हिस्ट्री है, जो राजस्थान का प्रारंभ से लेकर 1949 ईस्वी तक का जो समय है वो आता है। और मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, मध्यकाल की बात करते हैं, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो इसके अंदर आता है। अगर मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री में 1740 तक, मतलब जो दिल्ली के अंदर जो सल्तनत की स्थापना होती है, तुर्क राज्य की स्थापना होती है, जो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, उसके पश्चात जो गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका संस्थापक रहता है, उससे लेकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ तक आती है, लगभग 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है उस तक, उससे कुछ समय पहले तक जो इतिहास का अध्ययन आपको इस मध्यकालीन भारत के तहत करना पड़ेगा। अगर भारत के इतिहास की बात करें तो वैसे भी अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया है, एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्य भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक आधुनिक भारत का इतिहास। तो उसमें तीन पोर्शन में हमें जो बीच वाला पोर्शन है, सेकंड जो फर्स्ट पोर्शन है, वो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ लिया था। अब आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ोगे, और अब बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। राजस्थान हिस्ट्री की जो प्रारंभ से जो प्रारंभिक सभ्यताओं से लेकर जो मानव के अवशेष मिलते हैं वहाँ से लेकर 1995 ईस्वी तक राजस्थान का इतिहास भी आपको पढ़ना है। ये दो बुकें हमारे इतिहास के अंदर है, और जो MDSU यूनिवर्सिटी के तहत जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग उसकी जो फोटो प्रति आपको भेज दी जाएगी, और उसको एक दिन हम विस्तृत रूप से और सिलेबस को देखेंगे इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। तो अब जो छात्र नए जुड़ रहे हैं आज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि अपनी जो निरंतर क्लासें, जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो मैंने स्टार्ट की है, जो मध्यकालीन भारत के तहत, मध्यकालीन भारत की पुस्तक चल रही है अभी, राजस्थान हिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहे, राजस्थान का इतिहास नहीं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो पीछे की क्लासें आप लोगों की छूट गई है वो निरंतर आप जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड की हुई है। तो हमने कहाँ से शुरुआत की थी, और आज जो बीच से कई छात्रों की क्लासें शुरू होगी तो उनको कुछ समझने में समस्या ना हो, किसी तरह का व्यवधान ना हो, और वो इसमें समायोजन कर पाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा, उसके तहत मैं आपको बताता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत के तहत, और दिल्ली सल्तनत
पे किन किन शासकों द्वारा शासन किया जाता है, जिसमें दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले मुख्य वंशों की बात की जाए तो सबसे पहले गुलाम वंश द्वारा दिल्ली पे शासन किया जाता है। और गुलाम वंश की स्थापना कब होती है, 1206 ईस्वी में होती है और 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहता है। गुलाम वंश के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना होती है। गुलाम वंश समाप्त होने के पश्चात खिलजी वंश की स्थापना होती है। उसके संस्थापक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो खिलजी वंश की स्थापना कर दी जाती है। 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक ये इनका जो शासन का दौर रहता है। उसके पश्चात तुगलुक वंश आता है, जिसकी जो शुरुआत होती है 1320 ईस्वी में होती है और 1414 ईस्वी तक उसका शासन काल रहता है। और कहते हैं सबसे दीर्घकालीन समय तक शासन इनके द्वारा किया जाता है। तुगलक वंश द्वारा 94 वर्षों तक, 100 वर्षों में मात्र 6 जो वर्ष कम थे, इतने समय तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। अब उसके पश्चात आता है सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश का शासन काल कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन काल रहता है। सैयद वंश के पश्चात आता है लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश का शासन काल कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन काल रहता है। ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 वंश है ये आते हैं। ये इनका जो कालक्रम है और इनका जो क्रम है, पहले किस वंश ने शासन किया, उसके पश्चात किसने किया, इसको आप जो आज अपनी नोटबुक में जो नए विद्यार्थी शुरू हो रहे हैं, जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं, उनको अपनी नोटबुक में ये नोट डाउन करना होगा ताकि वो अभी जो क्लासेस चल रही है उसमें तुरंत समायोजन कर ले और वो उसमें आसानी से जुड़ जाए। तो इसके लिए एक मैं पहले जो झलक है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें हमने 2 वंशों को पढ़ लिया, गुलाम वंश को पढ़ लिया और खिलजी वंश को पढ़ लिया। आज हम तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं और उसके पश्चात सैयद और लोदी वंश को पढ़ेंगे। सल्तनत के तहत इन वंशों को पढ़ने के पश्चात हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में, इसके पश्चात लोदी जो अंतिम शासक यहाँ इब्राहिम लोदी होता है, जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो पानीपत का युद्ध होता है उसके तहत, पानीपत का प्रथम युद्ध के तहत जो लोदी इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर द्वारा दिल्ली में जो मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है, वो भी मध्यकाल के अंतर्गत आएगा। और इस व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको जितना हो सके उतना बेहतर से बेहतर तरीके से जो अध्ययन सामग्री है, कंटेंट वगैरह है और पीडीएफ नोट्स वगैरह और जो शासकों के बारे में विशेष जानकारी अन्य स्रोतों से लेके आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप भी निरंतर अध्ययन में रुचि लेते रहिए और किसी तरह की समस्या आए, किसी तरह की शंका हो आपको या कोई चीज़ें पूछनी हो, किसी चीज़ को विस्तार से जानना हो, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, ये प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाया है हमने और इसके माध्यम से आप कोई भी बात हमसे पूछ सकते हैं। इसका जितना हो सके उतना सदुपयोग कीजिए और शैक्षणिक गतिविधियों में आप भी सक्रिय रहिए। तो ये जो दिल्ली सल्तनत के तहत ये जो 5 वंशों का जिक्र हमने किया उनमें से हमने 2 वंशों को पढ़ लिया और आज हम तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास ज़्यादा मैं आपको ज़्यादा इसमें छोटी क्लास लेंगे, ज़्यादा जानकारी नहीं है इसमें। तुगलक वंश की जो मुख्यतः है वो आपको जानकारी उपलब्ध कराऊँ। अब तुगलक वंश के शासकों ने कहाँ से कहाँ तक शासन किया, कौन कौन से शासकों ने इस वंश के तहत कौन कौन से शासक हुए थे जिन्होंने शासन किया था, ये जानना इतिहास के स्टूडेंट के लिए अत्यावश्यक होते हैं। अगर आपको इनको क्रम वाइज से देखना होगा और ये नाम कुछ आपको हार्ड भी लगेंगे, लेकिन आप इनका निरंतर जो अध्ययन करते रहिए, निरंतर स्मरण करते रहिए और ये नाम आपको याद रह जाएंगे। अगर तुगलक वंश की बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाती है। जो प्रथम शासक, प्रथम जो श्रेणीक्रम में प्रथम होता है वही उस वंश का संस्थापक होता है। बाकी के जो गुलाम वंश और खिलजी वंश के शासकों के बारे में भी मैंने सरणीक्रम बना रखा जो पीछे की कक्षा में आपको मिल जाएगा, एक बार मैं पुनः दोहरा दूंगा आपके लिए। तो तुगलक वंश में बात की जाए तो तुगलक वंश द्वारा 94 वर्षों तक शासन किया जाता है और इसके प्रथम संस्थापक जिसके द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है वो होते गियासुद्दीन तुगलक।
गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी तक शासन किया जाता है। उसके पश्चात आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इसके पुत्र होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक और ये इनका शासनकाल 1325 ईस्वी से लेकर 51 ईस्वी तक रहता है। और उसके पश्चात आते हैं फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 88 ईस्वी तक रहते हैं। और उसके पश्चात गियासुद्दीन तुगलक प्रथम है। इसके पश्चात द्वितीय आते हैं और 1388 ईस्वी में कुछ नामात्र के समय के लिए शासन करते हैं। उसके पश्चात शासक बनता है अबू बकर 1389 ईस्वी में। और उसके पश्चात मोहम्मद बिन फिरोज ये 1389 में रहते हैं मात्र एक वर्ष के लिए, कुछ समय के लिए। उसके पश्चात मोहम्मद बिन फिरोज शासक बनते 1390 ईस्वी में, ये भी कुछ समय के लिए। उसके पश्चात सिकंदर शासक बनते हैं इसी वंश के तहत 1390 ईस्वी से लेकर 94 ईस्वी तक। उसके पश्चात मोहम्मद प्रथम शासक बनते 1395 ईस्वी से लेकर 1395 ईस्वी तक। उसके पश्चात नसरत शाह 1396 से 99 ईस्वी तक। उसके पश्चात मोहम्मद द्वितीय शासक बनते 1399 से 1413 तक। और उसके पश्चात अंतिम शासक इसमें दौलत खान लोधी बनते हैं, जो कि इस वंश से संबंधित नहीं होते। इनको जो अमीरों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जब तख्त पर कोई भी शासक नहीं होता तो अमीरों द्वारा इसे नियुक्त करके शासक बना दिया जाता है। अब तुगलक वंश के जो शासकों का कालक्रम मैंने बताया है, इन शासकों के कालक्रम के अनुसार हम पढ़ेंगे सभी शासकों के। और मुख्यतः तुगलक वंश की बात की जाए तो मुख्यतः तुगलक वंश में तीन मुख्य शासक रहे हैं, जो गियासुद्दीन तुगलक है ये है, और मोहम्मद बिन तुगलक है एमबीटी जिसका शॉर्ट नाम आप देख लेना, और फिरोज शाह तुगलक FST। ये जो तीन शासक है इनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहता है, इनके बारे में इस वंश में अध्ययन किया जाता है। और ये बाकी के नाममात्र के जो शासक रहे हैं इनका जिक्र ज़्यादा नहीं किया जाता। अब वंश के तहत इतिहास में हम इनके बारे में क्या जानेंगे, इनके बारे में ये जानेंगे कि इन शासकों के द्वारा कौन कौन से सैनिक अभियान किए गए उनके बारे में हम पता करेंगे, किस तरीके से अपने राज्य का विस्तार किया गया सैनिक अभियान और राज्य का विस्तार, और इनके द्वारा कौन कौन सी व्यवस्थाएं सुधारी गई, न्यायिक व्यवस्था को कैसे सुधारा, और राजस्व संबंधित व्यवस्था पहले किसानों से ही कर लिया जाता था उपज का, कृषि का भाग, तो उनके बारे में क्या क्या सुधार किए, और जन कल्याण से संबंधित क्या कार्य किए, और इस समय सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज में वर्गों की क्या स्थिति थी, निम्न वर्ग उच्च वर्ग मध्यम वर्ग थे कि नहीं थे, और धार्मिक स्थितियां क्या थी, इन शासकों द्वारा हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए गए और कट्टरवादिता का अनुसरण किया गया नहीं किया गया, ये बातें हम मूल रूप से इसमें जानेंगे। तो विद्यार्थियों, हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में जो वंशों के बारे में जान लिया, और आज हम तुगलक वंश की शुरुआत कर रहे हैं और कल इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मैं गियासुद्दीन तुगलक है जो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। इसी समय 8 सितंबर 1320 ईस्वी को ये सिंहासन पर बैठता है गियासुद्दीन तुगलक। और आपको पता होगा, पीछे की क्लास आप देख लेना, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके ये जो गियासुद्दीन तुगलक तख्त पे बैठता है। और इसकी बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक था उसके द्वारा 1305 ईस्वी में इसे दीपालपुर जो पंजाब क्षेत्र में है दीपालपुर, उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है इसे, जो इसको गियासुद्दीन तुगलक को। और इसकी बात करें तो इसका पहले नाम क्या था, गाजी मलिक इसका नाम था। पहले के नाम की बात की जाए तो गाजी मलिक इसका नाम था। और जब ये तख्त पर बैठता है तो गियासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि धारण करके बैठता है। 1305 ईस्वी में जब मंगोल आक्रमण पश्चिमोत्तर क्षेत्र से होते थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो उसमें इसने अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर जो भरपूर मंगोलों का प्रतिरोध किया और मंगोल आक्रमणों को इसने सफल बनाया। इसी योग्यता और गुणों के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गियासुद्दीन तुगलक को जो पश्चिमोत्तर प्रांत दीपालपुर है पंजाब का क्षेत्र, वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। और इसके जो आम जीवन की बात है उसकी थोड़ी सी बात बताऊँ आपको, तो इसे करोन तुर्क कहा जाता है। अब करोन तुर्क की बात करें तो करोन तुर्क कौन होते, करोन तुर्क में कहा जाता है जिसकी माता हिंदू पक्ष से होती है और पिता तुर्क पक्ष से होता है, उसे करोन तुर्क कहा जाता है, यानी कि मिश्रित
तुर्क कहा जाता है, इसे मिश्रित तुर्क कहा जाता है। इतिहासकारों में मतभेद है, कोई इतिहासकार इसे कुछ मानते हैं कोरोन तुर्क मानते हैं, कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जो खुरासान जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वहाँ से भारत में सैनिक कार्य के लिए गतिविधि अपनी जो गरीबी ये गरीबी तबके से बिलोंग करता था उसके पश्चात ये आके यहाँ गुलाम के रूप में कार्य करने लग जाता है और सैनिक सेना के अंदर भर्ती हो जाता है और कहते हैं ये साधारण स्थिति से उठकर एक शासक की स्थिति तक पहुँचता है अपने योग्यता गुण और काबिलियत के आधार पर। ये गयासुद्दीन तुगलक का थोड़ा सा परिचय दिया है मैंने आपको, कल की क्लास में हम तुगलक वंश के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। किसी तरह की जो सुझाव हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे आप भेज सकते हैं, और कोई भी सुधार की गुंजाइश हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बेहतर तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा भी अन्य पुस्तकों से जो स्रोत है उनसे मैं जानकारियाँ जुटाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा। और ये बात आप सिर्फ आप अपने जो बीए सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को पास करने हेतु इसे ना देखिए, इसको आप जो प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए जो मैं चीज़ें आपको तैयार करके दूंगा फैक्ट नोट्स वगैरह आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी, तो आप उस दृष्टि से भी इसका अध्ययन कीजिए। और अपने जो ये YouTube चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, और भी जो आपके जो परिजन हैं मित्रजन हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।